नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 19 फरवरी 19 फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। मैंने बाई सेल लेवल कम स्किनर बनाया, उसी का थ्रू मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स का कमोडिटी फ्यूचर्स का बाय लेवल सेल लेवल इंसर्ट डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी NR4 NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ। तो वो वीडियो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, वो भी आप लोग को देखने के मिल जाएगा, जो आप जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजी स्टेप्स है, पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, हाउ टू ये सब चीज़ आप लोग को रेगुलर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसमें आप लोग को आप लोग इस पूरा फाइल में इसका फाइल का परफॉर्मेंस वाला वीडियो आप लोग देख सकता है। ये फाइल में क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, वो भी आप लोग देख सकता है। तो इसका ये फाइल का फाइल आप लोग को कैसे काम का काम पे आ सकता है, वो भी आप लोग कैसे यूज़फुल हो सकता है, ये बहुत ही हेल्पफुल बहुत ही यूज़फुल है। वो ये रेगुलर बेसिस पे आप लोग इसको इस्तेमाल कर प्रॉफिट कमा सकता है। तो वो भी वो सब वीडियो भी आप लोग देख सकता है। और इसका परफॉर्मेंस इस सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग देख सकते हैं। और इसमें मेरा ये मैंने मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे रेगुलर बेसिस पे शेयर करता हूँ, वो भी आप लोग चेक कर सक वो भी आप लोग को देख वो आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। ये पूरा फाइल आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो और भी बहुत सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे, वो भी जरा देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने निफ्टी सॉरी इधर निफ्टी फिफ्टी मैंने इधर निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ। ये अभी नीचे थोड़ा सा रिट्रेस करा हुआ, जो इतना ऊपर गया था वो थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है। मैंने इधर सी लेवल ड्रॉ करके एक बार देखता हूँ कितना तक तक रिटेस हुआ है। तो कल देखिए इधर 50% में आके ये रिटेस हुआ है। और ये जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन बना है, ये जो प्राइस एक्शन जो किया है, ऊपर नीचे आने का कोशिश किया था 11900 का लेवल ब्रेक करने का, लेकिन बाइंग प्रेशर जो है इसका इस लेवल पे ये डिमांड इतना बढ़ गया था, कोई इधर सेलिंग प्रेशर होके ये एक हैमर जैसा कैंडल फॉर्म किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होता है, जो डाउन ट्रेंड में जब फॉर्म होता है तो ये अप ट्रेंड होने का पॉसिबिलिटी तैयार होता है। तो देखना पड़ेगा इसमें, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। लेकिन इसका नीचे जब आएगा 11900 का लेवल जब ब्रेक करेगा, ये 11860 867 तक जो उसका लेवल है उसका लेवल ब्रेक करेगा तो 11790 तक आ सकता है। उसके बाद 11625 तक आ सकता है। तो ऊपर भी जाएगा तो इसका पहले 12100 का ऊपर रहना पड़ेगा, उसके बाद ये 12247 तक भी जा सकता है। इसका फ्यूचर भी मैंने एक बार देख लेता हूँ। फ्यूचर में देखिए इधर ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का था, इसमें से ये नीचे आ गया था, इस लेवल पे आके सपोर्ट लिया। इस लेवल आता था तो ये सेल जोन में आता था, या लो वॉल्यूम लो जो रीजन है उसमें आ सकता था। इधर 11841 में सपोर्ट दिख रहा था, इधर से ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसका इधर जो इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल में आ रहा है, तो इधर 12035 के ऊपर जब ये ऊपर जाएगा तो ये 12035 के ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा अब जा सकता है 12056 तक आ सकता है। उसके बाद ये 12090 से जो 12100 तक जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है इस रीजन में आ सकता है। उसके बाद ये पॉजिटिव दिखाई देगा। ये पिवट पॉइंट जो 144 है या 150 का ऊपर जो पिवट पॉइंट है इसका ऊपर ये पॉजिटिव दिखाई देगा। और मैंने निफ्टी बैंक का भी दिखाता हूँ।
उधर भी सेम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। इधर मैंने एक बार फेमस सिंगल लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये 61.8% का नीचे आने का कोशिश किया था, लेकिन ये इधर से ये रिट्रेस होकर ऊपर गया, इधर से सेलिंग भी शुरू हुआ। ये जो हैमर जैसा कैंडल ट्रिक फॉर्मेशन हुआ है, तो ये इसके ऊपर ये पॉजिटिव, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, चार्ट में भी चार्ट में थोड़ा सा नेगेटिव है, और ये इसका कंडीशन भी थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव, ये जो हमार फॉर्मेशन जो कंडीशन प्राइस एक्शन जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका इसी का वजह से लगता है थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो इधर 30,600 ये 30,870 या 874 के ऊपर, 884 के ऊपर ये पॉजिटिव हो सकता है। इसके बाद ये 31,267 तक आ सकता है, उसके बाद फिर ये 31,600 तक 650 तक जा सकता है। नीचे आएगा तो इधर सपोर्ट मिलेगा 31,135 में इसका सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद 30,080 में सपोर्ट मिलेगा, तो उसके बाद फिर 29,600 तक आ जा सकता है, 620 या 29,600 तक आ सकता है। और मैंने और भी एक चार्ट दिखाता हूँ, थोड़ा 30,000 में इसका रेजिस्टेंस है, तो ये इसका थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी आप लोग जानते हैं ऑलमोस्ट इसका जो कोरिलेशन है ऑलमोस्ट सेम, मतलब बहुत ही हाई कोरिलेशन है, 0.97% या 98% के ऊपर रहता है। तो इधर थोड़ा सा मतलब ऊपर, मतलब बैंक निफ्टी जब ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी को ऊपर जा ले सकता है, और बैंक निफ्टी जब नीचे जाएगा तो निफ्टी को भी थोड़ा सा ऊपर ले सकता है, और 22 वर्ष भी हो सकता है। तो देखिए इस चार्ट में थोड़ा सा, इसमें देखिए बुलिश पिन बार, ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक थोड़ा सा बुलिश होता है, उसके बाद ये नीचे, तो इधर थोड़ा सा, लेकिन इधर जो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है वो ऊपर ही है, और इधर 12,095 या 12,000 इसका सीपीआर रेशियो है। तो इसका इधर जो फिबोनाची का जो सपोर्ट है, उधर भी ये सपोर्ट ले सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेके इधर लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी सेम रह के चलता है। इधर भी थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रेस दिखा रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी कल का खरीदा, ये फिबोनाची लेवल का इस लेवल पे, मतलब 30,350 इस लेवल पे सपोर्ट लिया था। कॉल साइड में ये सबसे ज़्यादा ओपनिंग है, और देखिए इधर जो 12,200 इधर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर आईवी कॉल साइड में बड़ा है, और मेरा ख्याल से ये पीसीआर रेशियो ऑलरेडी कल 0.46 या 0.42 के आसपास चला गया था, उसके बाद फिर रिट्रेस होके लास्ट रन में रिट्रा कॉन्ट्रैक्टेड ले चुका है या कॉन्ट्रैक्टेड लेने का कोशिश करेगा। और इधर कपूर साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 11,900 में दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये सपोर्ट बना है। इधर भी शॉर्टिंग होने लगा है, साइडली शॉर्टिंग होने लग रहा है, मतलब ये लास्ट टाइम में ये शॉर्टिंग हो रहा है, तो शॉर्टिंग पुट साइड में शॉर्टिंग होने का मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। और निफ्टी बैंक निफ्टी का देखता हूँ चार्ट, सॉरी ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, ये भी पीसीआर रेशियो 0.523 या 54 के आसपास है, और इधर वो भी शायद लगता है कि लास्ट सेशन में ये 0.50 के नीचे से ऊपर आया है। और इधर कॉल साइड में जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 31,000 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, नेगेटिव चेंज इन प्राइस, और पीसीआर रेशियो सॉरी आईवी थोड़ा सा बड़ा है, इंक्रीज किया है, और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है दिखाई दे रहा है 30,000 का। इधर सपोर्ट बना है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर भी पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो इसीलिए साइडवेज मोमेंटम, मतलब ये ऊपर लाने का कोशिश करेगा और ये नीचे जाने का कोशिश करेगा। तो इधर देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट में इधर जो है, और इधर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है बहुत ही ज़्यादा है, तो इधर शॉर्टिंग पुट साइड में शॉर्टिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब रेजिस्टेंस में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, कॉल साइड में जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, उधर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, और पुट साइड में जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जिधर सपोर्ट बना है।